फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय सीओ में। जो आज हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं आपसे कि जो आपका पेपर होने वाला है 12 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का, तो उसमें आपको क्या तैयार करना चाहिए जो आपको पास करा दे या बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाए। अब इसके बारे में बात करने वाला मैं होता क्यों, पहले ये बता दूँ। तो मेरी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और उसके बाद में मेरी बीएड भी है। उसके साथ साथ मैंने 5 या 6 साल एक्सपीरियंस एज ए केमिस्ट्री टीचर, एक बड़े स्केल पे आप मान सकते हैं, जिसमें मैं 200 के आसपास बच्चों को रोजाना टीचिंग कराता हूँ और ये ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अपना भी बहुत काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में क्या तैयार करना चाहिए। केमिस्ट्री की भी मैं बताता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियोज में जाके देख सकते हैं, आपको केमिस्ट्री की भरपाई मिलेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एक एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके चलें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो में वो बताना चाहते हैं जो बिल्कुल आपको करके ही जाना होगा। इससे अलग आप जरूर करें, लेकिन कम से कम ये जरूर करके जाएं। किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको क्या तैयार करना चाहिए कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो पता होगा ना, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या होता है, वो चीज़ आपको देख के जानी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें अगर हम सॉलिड स्टेट के अंदर, तो सबसे मेन चीज़ एक तो शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट थोड़ा सा तैयार कर लेना अच्छे से, शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। उसके साथ साथ में एक आपको यहाँ से तैयार करके जाना है डेंसिटी वाला नुमेरिकल्स। कौन सा? डेंसिटी वाला नुमेरिकल्स और प्लस शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। इसके साथ में एक एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल मिल जाएगा, जिसमें जो में आएगा, ये मेटालिक में आएगा, आयनिक में आएगा, नेटवर्क वगैरह इस तरह से, तो वो वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से लगभग इतना क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे के अंदर। क्या क्या बताया मैंने मेन चीज़, और भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले करके जाना। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि इसके अंदर जो डेंसिटी वाला नुमेरिकल है वो अच्छे से तैयार करके जाना। एक क्वेश्चन इसमें भी पॉसिबल है, वो पूछ ले आपसे कि क्या कर दे कि ए एफसीसी बना रहा है, बी बीसीसी बना रहा है, ये एससी बना रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो निकल के आएगा AB3, इस तरह से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। या इसमें से आपको क्या दे दे, वो आपको 2-3 दे दे कि इन्हें आप क्लासिफाइड कीजिए मेटालिक क्रिस्टलाइन में, इस क्रिस्टलाइन में, इस तरीके से आपको पूछ ले, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन होता है। ये आपका हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, मान लो आपका दूसरा चैप्टर हो गया कौन सा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, भाई साहब कोई पेपर ले लो आप, कहीं भी ले लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जड़ है इसकी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कोई से भी आ सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, चाहे तो आपका TF पे आ जाए, चाहे TB पे, मतलब KF KB जो होता है उसके अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वान्टोफ कोफिशिएंट है उसके अंदर से, एक नंबर में उसके क्वेश्चन आने की चांस है। उसके बाद नॉर्मेलिटी मोलैलिटी आपको ये चीज़, मोल फ्रैक्शन वगैरह, हेनरीज लॉ एंड और राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर से, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं अपने आप से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इसके। और तो इसमें क्या बताया मैंने, सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के वो आपकी प्रॉपर्टी जो उसके सॉल्यूट जो है उसके अंदर उसके नंबर्स पे आपका डिपेंड करती है। क्या कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किस पे, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट, कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती सॉल्यूशन सॉल्यूट के, उसको बोलते हैं आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको इसके अंदर से नुमेरिकल्स बता दिया, 100% आने के चांस हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी में से आ जाए, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये आपको जरूर तैयार करना है। इसके साथ साथ में मोलैलिटी नॉर्मेलिटी वो आपने लिमिट में तैयार की होगी, तो वो आपको देख के जानी है। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ इक्वल टू 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, और दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट 0, मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह से आपका हो जाता है ये आपका। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको अगर सबसे मेन चीज़ बात करें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स में क्या करता है, वो 2 टाइम दे देता है। एक टाइम पूछ लेता है आपसे T50% इतना है, इतना है, इतना टाइम में इतना बन रहा है, इतना टाइम में ये बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंग एक तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल बना भी रखा है, आप केमिकल काइनेटिक्स के नाम से देख लेना, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बहुत अच्छे से समझा रखा है, एक ही क्वेश्चन समझा रखा है लेकिन बहुत बेटर समझा रखा है। नहीं समझ आता तो कमेंट करें, मैं जरूर बनाऊंगा यार इस तरह से कोई, ठीक है। और इसमें से दूसरा आपको क्या तैयार करके जाना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका जो आपका होता है यूनिट, वो आपको तैयार करनी है। मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1 और सेकंड की पावर -1, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं n की वैल्यू रख के। और मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में डिफरेंस रूल तैयार करके जाना इसके अंदर से। आर्नियस इक्वेशन क्या होती है, उसका न्यूमेरिकल्स आ जाए ना आ जाए कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा तैयार कर लेना, ये हो गया आपका इसके अंदर से।
और कर लेना, लेकिन ये चीज़ तो जरूर करके जाना। करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो कोहला स्लो, जो आपका कोहला स्लो होता है वो आपको तैयार करके जाना है, और उसके साथ साथ में आपका जो नर्स्ड इक्वेशन है, नर्स्ड इक्वेशन पे आपका न्यूमेरिकल्स आने के बहुत बहुत चांस हैं। और एक इसके अंदर से क्वेश्चन क्या आएगा, उसका ई नोट दे देगा वो, और आपसे अरेंजमेंट करा लेगा कि इनमें रिएक्टिविटी पूछ लिया या किसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा। तो इस तरीके से आपका एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है भी पॉसिबल कि ए का ई नोट इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का इतना है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग लिखो, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग लिखो, किसी भी तरीके से वो लिखवा सकता है, उसके ऊपर मैं बता दूंगा आपको। तो इस तरह से आपको नर्स्ड इक्वेशन इसके जरूर करके जानी है, और इसके साथ साथ में ये चीज़ तैयार करके जानी है और कर लेना, लेकिन ये चीज़ मेन है, सफिशेंट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको 8 चैप्टर के बारे में बताने की, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपको। जो सॉलिड स्टेट के अंदर बताया डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल्स, दूसरे में बताया जो आपका सॉल्यूशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 100%, जिसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर का आ सकता है भी पॉसिबल, हो सकता है केएफ केबी टीबी टीएफ पे भी पूछ ले वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़। थर्ड में बताया आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जो है उस पर टी वाला, टी परसेंटेज वगैरह दे के उसमें वो आपका रिलेशन पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा। और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताया नर्स्ड इक्वेशन, तो ये चीज़ तो होगी इनके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट आपका हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर से, और लो और एक राउल्ट्स लो हो गया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से कोहला स्लो आपको तैयार करके जाना है, और फेराडेज लोस, जो फेराडे लोज है ये तैयार करके जाना है अच्छे से। और एक क्वेश्चन में बताया ए बी सी डी वाला इस तरह से ना, और इसके बाद में हमने बताया कौन से में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जो आपका है उसके अकॉर्डिंग तैयार करके जाना। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आपको, ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो आपको छोड़ के जानी नहीं, मतलब कि ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो। अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के अंदर सबसे पहले तो नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं, कौन सी नेमिंग रिएक्शन चार के चार में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको तैयार करनी है, कौन सी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन आपको जरूर तैयार करनी है, आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं उसको, तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन और उसके बाद में राइमर टाइम आपका राइमर टीमर रिएक्शन, ये दो रिएक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमर रिएक्शन और कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ये आपको किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेंगी, कोई चांस ही नहीं कि ना मिले। अब किस रूप में मिल सकती है, या तो वहाँ पे ए से बी, बी से सी, सी से डी वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें वो आपको मिल जाए, या फिर आपको किस में मिल सकती है कि कन्वर्जन में मिल जाए कि वो फिनोल से आपसे बनवा ले क्या सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलडिहाइड, ये अगर फिनोल से कन्वर्जन करा रहा है तो यहाँ पे मिल सकती है, या राइमरटीमर डायरेक्ट मिल सकती है, या कार्बिल एमाइन रिएक्शन इस तरह से ये जरूर मिलेंगी। उसके बाद में वुड्स रिएक्शन देख लेना, वुड्स बहुत सिंपल है, मैंने सब करा रखी है नेमिंग रिएक्शन, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देखें तो ऑर्गेनिक तो आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी वहाँ पे। राइमरटीमर रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन और सैंडमायर गाटरमैन बहुत सिंपल होती है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, दो कपलिंग रिएक्शन आपके यहाँ एक एनिलीन के साथ है और एक फिनोल के साथ है, और इसके साथ साथ में वुड्स होगी स्टार्टिंग वाली चैप्टर से। एमाइंस में अब दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग जो तैयार करके जाना, एक तो ल्यूकास एजेंट का और एक आपका होता है हिंसबर्ग एजेंट का, वो डिफ्रेंशिएट पूछ लेता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो ल्यूकास एजेंट क्या होता है आपको पता ही होगा, आपका एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl का इसमें होता है, ये आपका यूज होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकास एजेंट, किसको, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। क्या काम करता है, वर्क क्या है इसका, क्लासिफिकेशन करता है आपका, डिफ्रेंशिएट करता है किसके बीच में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। और जो आपका हिंसबर्ग एजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीनिंग होती है, एरिल सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ऐसा डबल ऊपर एक डबल बॉन्ड होने चाहिए और एक तरह से Cl, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एमाइंस में डिफरेंस करता है। हिंसबर्ग एजेंट पे हमने अलग से वीडियो डाल रखी, प्ले लिस्ट में जाके देखना या वीडियोज में जाकर सर्च करना हिंसबर्ग एजेंट बाई सीएम कुमार मिल जाएगा आपको। SN1 SN2 रिएक्शन पे 100% क्वेश्चन आएगा आपका, SN1 SN2 पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे वो पूछ लेगा कौन सा फास्टेस्ट SN1 देगा, कौन सा आपको SN2 देगा या कौन सा SN1 देगा। तो जो भीड़ भाड़ होगी जिसमें ज़्यादा होगी, SN1 का जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, और जो आपका SN2 का होता है 1 2 3 इस तरह से होता है, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो जो जिसमें ज़्यादा डिग्री होंगी वो SN1 देगा, जिसमें कम डिग्री होंगी वो SN2 देगा, मान लो 3 डिग्री है तो हमेशा SN1 देगा। उसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन, सैजैफ रूल बता रखे हैं, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, सैजैफ रूल मिल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन मिल जाएगा। और इसके अंदर से आपका कन्वर्जन वगैरह जो है हमने डाल रखे हैं कुछ, तो ऑर्गेनिक का तो पूरा खजाना है आप, हेलो एल्केन हेलो एरीन आपका, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, उसमें आप क्या करना है ग्रिगनार्ड एजेंट जो है उसकी तैयार कर जाना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिगनार्ड एजेंट अच्छे से तैयार कर जाना कि 1 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे, 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे। उसके बाद IUPAC थोड़ी सी कर लेना, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC में डाल रखी,
वीडियो वो IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाई सिंह कुमार आप डाल के देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी एक बार अगर आपने देख ली तो। ये चीज़ जाके देखें, कोई भी में दिक्कत आती है तो मुझसे पूछें। ये इतना बता दिया मैंने आपको लगभग कि अगर हम मान लें 10, 20, 30 मतलब पास होने के लायक तो काफ़ी। उसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा इसी तरह की जिसमें बताऊंगा ये चीज़ वो है। इन्हें जो मतलब टॉप करना चाहता है वो भी कर सकता है, और जो बिल्कुल बिल्कुल बेचारा बहुत दिक्कत में है फिलहाल वो भी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपको करके ही जाना है, और इनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैंने 2 क्वेश्चन बताए तो हो सकता है ना है, लेकिन कोशिश की है मैंने आपको वो चीज़ बताने की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से चैप्टर वाइज ही बताने वाला हूँ क्या क्या होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पड़ी है यार, अच्छे से जाके देखें मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखें। नेमिंग रिएक्शन है आपका, IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, IUPAC ऑफ सबकी है, आपके अमाइंस की है, आपका एल्कोहल्स वगैरह, NCERT में से क्वेश्चन हैं, पी ब्लॉक पर मैंने वीडियो बना रखी है वो जरूर देख लें जाके, आप सॉल्यूशन पे बना रखी है तो भी वीडियोस देखें एक बार जाके, कोई समय दिक्कत आती है तो पूछ लें। तो काफ़ी कुछ है आपके पास, प्लेलिस्ट में जाके देखें यार, आप वीडियोस में जाके ढूंढें हमारे में। और मैं एक आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी ना, 2 बार देख ली कोई सी भी नेमिंग रिएक्शन वगैरह की, तो मैं नहीं सोच सकता कि आपको वो ना समझ आए, क्योंकि एक कराने का तरीका मेरा अलग है। अगर आपने मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा हो तो मैं कैसे कराता हूँ, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कराता हूँ मैं, रटाने की कोशिश नहीं करता है कि रटो आप या इस तरह से करो आप। गैब्रियल सिंथेसिस वगैरह देख सकते हैं जाके, होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, होपमैन ब्रोमाइड याद आ गई तो वो चीज़ आपको जोड़ करके जानी है ना, तो ये तैयार करें अच्छे से। कुछ नहीं होता तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, लेकिन पहले वो वीडियो देख लें। अगर मैंने पहले वीडियो बना रखी है तो दोबारा वीडियो बनाऊँ क्या फ़ायदा उस चीज़ का, तो आप पहले उसको जाके देखें, कोई दिक्कत आती पूछ लें मुझसे, कमेंट करें। तो ये थी आपके लिए वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, इसमें तो सिर्फ बताया कि क्या तैयार करना है, उसके साथ साथ मैं आपको बोर्ड पर बताऊँगा। तो धन्यवाद आपका, अब टाइम रात के 12 बजे के आसपास हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी।